Hello friends, I am here again with a new video in the series of parasitology. Let's proceed. In this video, I am going to introduce what are insect pests. First question are, what are insects? And what are insect pests? इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट्स हमारी ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. हमारे चारों ओर, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे हर जगह इंसेक्ट्स ही इंसेक्ट्स हैं. हम डेली लाइफ में भी इंसेक्ट्स से रूबरू होते हैं, बट दे आर बोथ बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल फॉर मैनकाइंड. बट व्हाट आर इंसेक्ट पेस्ट? इंसेक्ट पेस्ट आर The insects which causes damage to the yield and quality of crops are called insect pests. जो हमारी crop को damage करती हैं, उनकी quality को कम करती हैं, उनकी yield को कम करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Insect pest. There are different type of insect pest. बहुत सारे different types के insect pest हैं, जैसे monophagous, ऑलिफेगस एंड पॉलीफेगस. नाउ इन डिटेल द टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. फर्स्ट इज मोनोफेगस, ऑलिफेगस, पॉलीफेगस. मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, ऑलिगो मीन्स सम, एंड पॉली मीन्स मैनी. इफ इंसेक्ट फीड ऑन सिंगल स्पीशीज ऑफ प्लांट देन इट इज नोन एज मोनोफेगस. अगर वो एक स्पीशी के ऊपर फीड करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? मोनोफेगस. ओलिगोफेगस, इफ इंसेक्ट फीड ऑन सिंगल फैमिली ऑफ अ प्लांट. अगर वो प्लांट्स की एक सिंगल फैमिली के ऊपर फीड करेगा देन इट इज नोन एज ओलिगोफेगस. पॉलीफेगस, पॉलीफेगस मतलब मैनी. वेन इट फीड ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, whether it is cultivated or whether it is wild, whether it is large, small, every type, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा many numbers of insects को, pests को, plants को feed करेगा then it is known as polyphagous. Now let's proceed. Insect pest of different plant species. अब different plant species के कौन कौन से हम आगे पढ़ने वाले हैं, किस किस का हमें इस वीडियो में इंट्रोडक्शन मिलने वाला है. इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर के, सेकंड इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन, थर्ड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी, देन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन. नाउ फर्स्ट ऑन द लिस्ट आर इंसेक्ट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन. कुछ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन कौन कौन से हैं वो? पिंक बॉलवर्म, रेड कॉटन बग, कॉटन ग्रे वीवल, कॉटन जैसेट एंड सरफेस ग्रासहॉपर. नाउ समथिंग अबाउट पिंक बॉलवर्म. पिंक बॉलवर्म है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट जो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से लेके 12 मिलीमीटर तक. और इनका कलर कैसा होता है? ग्रेइश ब्राउन. ये नॉक्टर्नल टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं. नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जागते हैं और दिन में इनएक्टिव रहते हैं. ये इंसेक्ट्स इन नाइट, जैसे कि ये क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, तो ये रात को टुवर्ड्स लाइट अट्रैक्टेड होते हैं. ये मॉथ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जैसे कि इसका मैंने बताया आपको कितना मिलीमीटर होता है इसका, 10 से लेके 12 मिलीमीटर तक. नाउ समथिंग अबाउट इट्स लाइफ साइकिल. इसकी लाइफ साइकिल दो टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू द सीजन. समर्स में इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है और विंटर्स में इसकी लाइफ साइकिल लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है. इसकी लाइफ साइकिल वेरी करती है 22 डेज टू 77 डेज. इज दैट क्लियर? इन समर्स लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन शॉर्ट स्पैन, छोटी हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? शॉर्ट लाइफ साइकिल. और विंटर्स में ये बड़ी हो जाती है तो हम इसे क्या बोल देते हैं? लॉन्ग लाइफ साइकिल. इसकी जो फीमेल होती है वो कितने एग ले करती है? या तो वो सिंगल एग ले करेगी या फिर अगर ग्रुप में करेगी तो 2 से लेके 10 एग. एक सिंगल फीमेल टोटल, इन टोटल
वो कितने एग ले कर सकती है? 300 एग्स। इसका जो मेन डैमेज करता है कॉटन को वो कौन करता है? कैटरपिलर। ओके कैटरपिलर। नाउ समथिंग अबाउट रेड कॉटन बग। एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज रेड इन कलर। ये इसका कलर कैसा है? रेड। और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 16 मिलीमीटर। बहुत छोटी है 16 मिलीमीटर। वन मोर थिंग, इट हैज़ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। इसके कैसे माउथ पार्ट्स हैं? पियर्सिंग और सकिंग। तो ये पियर्स भी कर सकता है, काट भी सकता है और सक भी कर सकता है, चूज भी सकता है इसके सैप को। सैप को चूज के क्या करेगा? सैप को चूज के इसकी क्वालिटी को पुअर बना देगा और इसके अंदर बहुत कम कॉटन निकलेगी। एंड मोर ओवर जो इसकी लिंट होती है उसके अंदर से बहुत कम ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। नाउ समथिंग अबाउट इट्स फीमेल। ये इसकी फीमेल जो होती है ये ले करती है एग ग्रुप्स में 70 to 80। नाउ डैमेज, कौन डैमेज करता है इसके अंदर मेनली? इसके अंदर मेनली डैमेज करते हैं इसका एडल्ट एंड निम। यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ समथिंग अबाउट कॉटन ग्रे विवल। एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज ग्रे इन कलर एंड इसकी लेंथ कितनी है? 4 मिलीमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 4 मिलीमीटर। और एक एडल्ट विविल की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 30 डेज। नाउ समथिंग अबाउट 30 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है। अब इसकी जो फीमेल होती है वो कितने एग्स ले करती है? एक हिंट, 30। 20 से लेके 30 एग्स तक ये ले करती है, ठीक है। नाउ जो इसका मेन डैमेज होता है वो मेन डैमेज कौन करता है? ग्रब्स एंड एडल्ट्स। और इसकी जो क्रॉप डैमेज होता है वो परसेंटेज ह्यूज, 1/4 ऑफ योर क्रॉप विल बी डैमेज्ड। अगर कॉटन ग्रे विविल लग गया तो कितनी परसेंटेज होगी वो? मैंने क्या बोला? 1/4। 1/4 इज इक्वल्स टू 25% ऑफ क्रॉप डैमेज्ड। नाउ कॉटन जैसेट। अब कॉटन जैसेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सीजनली अपना कलर चेंज करता है, ये इंसेक्ट जो होता है ये सीजनली अपना कलर चेंज करता है। सीजनली एक चीज़ और देखी थी हमने पिंक बॉल वॉर्म में। पिंक बॉल वॉर्म में उसकी लाइफ साइकिल क्या थी? अगर समर्स है तो शॉर्ट है और अगर विंटर्स है तो लॉन्ग लाइफ साइकिल है। इन द सेम वे कॉटन ग्रे विविल में, कॉटन जैसेट में इसका रेड कलर हो जाता है अगर ये विंटर्स में होता है, और अगर इसका समर में इसका ग्रीनिश येलो कलर हो जाता है। अगेन ये भी इंसेक्ट्स कैसे होते हैं? ये इंसेक्ट लाइट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, रात में लाइट के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं ये इंसेक्ट्स। अब इनकी जो फीमेल होती है वो क्या करती है? फीमेल एक सिंगल एग ले करती है, बट इन टोटल कितने एग ले कर सकती है? 50 एग्स। नाउ डैमेज, मेनली डैमेज कौन करता है? मेनली डैमेज करते हैं निम्स एंड एडल्ट्स। और इसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा है, 25 से लेके 40% तक इसके अंदर क्रॉप डैमेज हो सकती है। 40% इट मीन्स नियरली हाफ ऑफ योर क्रॉप गेट डैमेज इफ कॉटन जैसेट लग गया उसको, ठीक है। नाउ सरफेस ग्रास हॉपर। एज नेम सजेस्ट इट इज अ ग्रास हॉपर। ओके इट इज अ ग्रास हॉपर। और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? फिर भी ठीक है, ग्रास हॉपर हम सबने देखा है टिड्ढा, 4 to 7 centimeter। ओके इट इज 4 to 7 centimeter। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो। ऐसा ही होता है ग्रीनिश येलो ग्रास हॉपर का, हर किसी ने देखा होगा टिड्ढा। नाउ ये कैसे इंसेक्ट्स होते हैं? ये इंसेक्ट्स होते हैं एक्टिव ड्यूरिंग द डे, और ये लो ग्रोइंग वेजिटेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लो ग्रोइंग कैसी होती है? कॉटन क्या है? कॉटन ज़्यादा लेंथ में तो नहीं होती ना, जब तक इसके जो प्लांट्स हैं कॉटन के जो स्पीशीज़ है वो थोड़ा नीचे ही रहेगी, लो लेंथ पे रहेगी, तब तक ये उसको इफेक्ट कर सकता है। नहीं तो ये क्या करेगा? दूसरे प्लांट पे चला जाएगा। सरफेस ग्रास हॉपर ऐसा होता है कि ये दूसरे प्लांट पे चला जाता है अगर प्लांट की क्या हो जाती है? लेंथ इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और कौन कौन से उस पर जा सकते हैं? जैसे ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर सबने देखा होगा छोटा ही होता है, सनफ्लावर के खेत बहुत छोटे छोटे से ही होते हैं। पोटैटो बिल्कुल ही ज़मीन में होता है, लेडी फिंगर, ठीक है। ये ग्रास हॉपर कैसा होता है कि जो लो ग्रोइंग मतलब जिनकी लेंथ कम है ऐसे प्लांट्स पे ये लगता है।
नाउ अब जो इसकी फीमेल होती है वो कितने एग्स ले करती है, वो ग्रुप में एग ले करती है 20 से लेके 30 एग्स तक। और जो इसके एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल एंड येलो, ओवल एंड येलो। नाउ जो मेन डैमेज करता है, मेन डैमेज कौन करता है कॉटन के प्लांट को, निम्फ एंड एडल्ट। ओके लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन सम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट। सम इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ वीट आर वीट स्टेम बोरर, गुजिया विविल एंड टर्माइट्स। वीट स्टेम बोरर, वीट स्टेम बोरर इज एन मोथ। ये क्या किस टाइप का इंसेक्ट है, मोथ। एंड इसका कलर कैसा होता है, फॉन। फॉन समझते हो, फॉन कैसा होता है, फॉन इट इज लाइक लाइट येलो, लाइट येलो कलर का, ठीक है। और उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रीक्स होती हैं। स्ट्रीक्स मतलब, स्ट्रीक्स हेयर कलर नहीं, स्ट्रीक्स मतलब लाइन होती हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ 15 से लेके 20 मिलीमीटर के बीच में होती है। और इनका विंग्स जो होते हैं, विंग कितने बड़े होते हैं, 35 मिलीमीटर तक। दीज इंसेक्ट्स आर नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स। अगेन मुझे नॉक्टर्नल बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, मगर मैं बता रही हूँ कि हाँ नॉक्टर्नल होता क्या है। एंड फॉर नॉक्टर्नल एंड फॉर नाइट, जो नाइट में एक्टिव रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं कितने दिन के लिए जीते हैं, दे लिव फॉर 10 to 15 days। ओके नाउ जो इसका एग होते हैं, जो इनकी फीमेल होती है वो कितने एग ले करती है, 30 से लेके 100 eggs तक, बट इन रोज। और जो इसके एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बीड्स की तरह, जैसे मोती होते हैं ना, मोती, मोती को जब हम माला में पिरो देते हैं, माला में लगा देते हैं, बीड्स इन द स्ट्रिंग, इन द सेम मॉडल दे ले द एग। और टोटली ये कितने एग ले करते हैं, 200 से लेके 300 तक। और जो मेन डैमेज करता है वो कौन करता है, इनका कैटरपिलर। कौन करता है, कैटरपिलर। नाउ समथिंग अबाउट गुजिया विविल। गुजिया विविल कैसी होती है, गुजिया विविल एक विविल होती है, यू ऑल नो व्हाट इज विविल। विविल एक इंसेक्ट होता है, देन इट अटैक्स जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स। ये कैसे कैसे अटैक करती है प्लांट्स को, जर्मिनेटिंग सीडलिंग को। और इसके अंदर हैवी इन्फेस्टेशन हो जाए, अगर ज़्यादा इसका कंट्रोल ना कीप कर पाए हम, ज़्यादा इसका इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है, प्लांट्स डाई आउट। ओके नाउ समथिंग अबाउट टर्माइट। टर्माइट क्या होती है, टर्माइट्स आर एनी गैसेस। टर्माइट्स होती क्या है, टर्माइट्स होती है दीमक। दीमक लग जाती है ना, सबको पता है दीमक क्या होती है। जब किसी भी ये हमारे लकड़ी के सामान में ज़्यादातर लगती है, और लकड़ी के सामान में से ब्राउन ब्राउन सा एक पाउडरी सा सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है, देन इट इज़ नोन एज दीमक, ठीक है। टर्माइट, टर्माइट होती कैसी है, स्मॉल टू मीडियम साइज, मतलब स्मॉल ही होती है, ज़्यादातर स्मॉल ही होती है, मीडियम तो बहुत ही कम हमें दिखेगी, ठीक है ना। सॉफ्ट बॉडीड होती हैं, क्रीमी होती है, और इसका कलर कैसा होता है, वाइट टू डार्क ब्राउन। टर्माइट कैसा एक पेस्ट है, ये एक ट्रेडिशनल पेस्ट है जो कब लगता है, रेनफेड कंडीशंस में। रेनफेड मतलब जब बहुत ज़्यादा रेन्स हो रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं कि टर्माइट हो गया है उसको, प्लांट्स को जल्द, प्लांट्स को हम पुल करें, जो वीट के प्लांट्स होते हैं, जो उसके बहुत ही छोटे छोटे से सीडलिंग्स होते हैं, सीडलिंग्स कहना ज़्यादा बेटर है, ग्रास होती है वैसे तो ये, आप पता है आपको वीट लार्जेस्ट ग्रास है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। वीट को जब हम पुल करेंगे, इसके छोटे छोटे सीडलिंग्स को, तो हमें इसकी डैमेज्ड रूट्स दिख जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी। व्हाट इज पैडी, इट इज राइस। सो इम्पॉर्टेंट पेस्ट आर राइस गंदी बग, राइस ग्रास हॉपर, राइस स्टेम बोरर एंड राइस बीटल।
First, Gandhi bug. Gandhi bug. गंध, गंध मतलब पता है आपको गंध किसे कहते हैं? गंध मतलब एक स्मेल. इस बग का नाम ही इस उससे पड़ा है. ये क्या करता है? इसका एडल्ट एक अनप्लीजेंट सी स्मेल को एमिट करता है. कहाँ से? इसके थोरेसिक ग्लैंड से. अपने ग्लैंड से, थोरेसिक ग्लैंड से ये एक अनप्लीजेंट स्मेल एमिट करता है. दैट इज वाई ये क्या कहलाता है? गंदी बग. ओके. जो ये एडल्ट इंसेक्ट होता है इसकी लेंथ 20 मिलीमीटर होती है. कितनी होती है? 20 मिलीमीटर. और कलर लाइट ब्राउन. ये ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स. नाउ समथिंग अबाउट इट्स एग. जो इसकी फीमेल होती है वो 24 से लेके 30 एग्स तक ले करती है. एंड जो इसका मेन डैमेज होता है वो कौन करता है इसमें? निम्फ्स एंड एडल्ट्स. ठीक है. और जो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ डैमेज होता है, जो इसकी क्रॉप डैमेज परसेंटेज होती है वो कितनी है? 40%. नॉर्मली इट इज़ 40%, बट इट कैन गो राइज एंड इट विल लीड्स टू नो हार्वेस्ट. समटाइम इट विल लीड्स टू नो हार्वेस्ट. नाउ राइस ग्रास हॉपर. इसका जो एडल्ट होता है उसकी लेंथ कितनी है? 5 से लेके 7 सेंटीमीटर. कितनी? 5 से लेके 7 सेंटीमीटर. और इसकी कलर ग्रीनिश येलो. एंड जो इसके एग्स होते हैं वो कितने होते हैं? फीमेल कितना एग ले करती है? 30 to 40 eggs इन मासेस. मतलब ग्रुप में क्लस्टर में 30 से लेके 40 eggs ये ले करती है. जो इसके अंदर मेन डैमेज होता है वो कौन करता है? एडल्ट एंड निम्स. अगेन इसमें भी क्या होता है? कितनी परसेंटेज ऑफ क्रॉप डैमेज हो सकती है? 50%. 50% तो मोटा मोटा है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. सो इट इज़ ऑल्सो ए वेरी डिटियोरेटिंग पेस्ट. पेस्ट तो डिटियोरेटिंग ही होता है. नाउ थर्ड इज राइस स्टैम्प बोरर. एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में, इट्स फूड प्लांट. राइस स्टैम्प बोरर का फूड प्लांट सिर्फ और सिर्फ क्या है? राइस. सिर्फ और सिर्फ क्या है? राइस. जो एडल्ट मेल मॉथ होता है उसकी लेंथ क्या है? 30 मिलीमीटर. एंड व्हाट इज इट्स कलर? लाइट ब्राउन. इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है? फीमेल इसके अंदर बड़ी होती है और मेल क्या होते हैं? छोटे होते हैं. एग्स. नाउ एग्स के बारे में क्या करना है हमने? एग्स इसके 2 to 5 bunches में होते हैं. और जो इसके एग्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ओवल होते हैं और वाइट कलर के होते हैं. ओके. जो मेन डैमेज करती है वो इसमें कौन सी इसकी लाइफ साइकिल का पार्ट करता है? दैट इज कैटरपिलर. ओके. नाउ समथिंग अबाउट राइस बीटल. राइस बीटल कॉमनली कॉल्ड एज धान का हिस्पा. क्या बोलते हैं इसको हम? धान का हिस्पा. इसका क्या कलर होता है? ब्लू ब्लैक कलर. ओके. इट इज कलर्ड बाय ब्लू एंड ब्लैक. जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 मिलीमीटर. कितनी होती है? 10 मिलीमीटर. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर इसके बारे में, इट हैज़ ब्लैक ब्रिस्टल्स ऑन द बॉडी. इसकी बॉडी पे ब्लैक ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्रिस्टल्स मतलब कांटेदार कुछ स्ट्रक्चर्स. जो इसकी फीमेल होती है वो सिंगली एक सिंगल आय ले करती है. ठीक है. सिंगल ले करती है वो एक.
जो मेन डैमेज करते हैं यहाँ पे, मेन डैमेज कौन करते हैं? एडल्ट और ग्रब्स। जो इनकी यील्ड है वो कितनी रिड्यूस हो सकती है? 20 से लेके 30% तक। ओके, नाउ समथिंग अबाउट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं वेजिटेबल्स के? यहाँ पे हम कौन कौन से बता रहे हैं, कौन कौन सी फैमिली के वेजिटेबल्स हैं? कुकुरबिटेसी हैं, क्रूसीफेरस। कुकुरबिटेसी पता है, कुकुरबिटा किसे बोलते हैं? इट इज अ फैमिली ऑफ खीरा। एंड क्रूसीफेरस, जो हमारी धनिया, मूली, ये सब होती हैं, ये कौन सी फैमिली है? क्रूसीफेरस। नाउ फर्स्ट इज रेड पम्पकिन बीटल, सेकेंड पम्पकिन फ्रूट फ्लाई, सेकेंड वेजिटेबल माइट, एंड थर्ड इज हार्डा बीटल। फर्स्ट रेड पम्पकिन बीटल, ये जो बीटल होती है इसकी लेंथ कितनी है? 5 to 8 millimeter। ओके, 5 to 8 millimeter। इनके पास बाइटिंग एंड च्यूइंग दोनों तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं। बाइट हम भी करते हैं बाइट, च्यू हम भी करते हैं च्यू। ओके, देन जो इनकी फीमेल्स होती हैं, इनकी फीमेल्स या तो सिंगल कर सकती हैं एग ले, या फिर क्लस्टर में कर सकती हैं। जो डैमेज होता है, मेन डैमेज एडल्ट बीटल करती है और ग्रब्स करती है। नाउ सेकेंड इज पम्पकिन फ्रूट फ्लाई, पम्पकिन फ्रूट फ्लाई। ओके, एडल्ट फ्लाई, जो इसकी एडल्ट फ्लाई होती है उसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। ओके, क्या है इसका कलर? रेडिश ब्राउन। और इसकी लेंथ 7 millimeter। जो इसकी फीमेल होती है वो 4 से लेके 10 egg तक ले करती है। कितने हैं? 4 से लेके 10 egg तक, और इन टोटल 80 to 100 eggs पर फीमेल। जो मेन डैमेज होता है वो कौन करता है? एडल्ट फ्लाइज एंड मेगॉट्स। ओके, नाउ वेजिटेबल माइट। माइट, माइट क्या होता है? हमने टर्माइट कुछ पढ़ा था शायद। ये पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं। पॉलीफेगस, यू नो व्हाट इज पॉलीफेगस? ये कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? लार्ज कॉलोनीज, और कवर्ड होते हैं कैसे? सिल्की फाइबर्स से। ये पॉलीफेगस पेस्ट हैं। पॉलीफेगस पेस्ट वो होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा, मैनी पेस्ट के ऊपर जो बाइट करता है, जो मैनी पेस्ट को फीड करता है, दैट इज नोन एज पॉलीफेगस। जो इनकी फीमेल्स होती हैं वो 40 से लेके 50 eggs तक ले करती हैं, और मेन डैमेज कौन कॉज करता है? निम्फ एंड एडल्ट। नाउ हार्डा बीटल, जो एडल्ट बीटल होती है उसकी लेंथ क्या है? 8 millimeter, स्मॉल 8 millimeter, एंड इट्स कलर इज रेड। इट्स कलर इज रेड। एंड फीमेल कितना ले कर सकती है? 150 to 300 eggs। और मेन डैमेज कौन करता है? ग्रब्स एंड एडल्ट्स। नाउ नेक्स्ट, नाउ समथिंग अबाउट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। एवरीवन नो व्हाट आर स्टोर्ड ग्रेन्स? फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर कंजप्शन एंड ऑल्सो फॉर देयर फ्यूचर जनरेशंस, फॉर देयर सीड्स। But sometimes insects, pests infect them. Now some important pests are pulse beetle, rice weevil, wheat weevil, grain and floor beetle, rust red floor beetle, lesser grain borer. Now first is pulse beetle. These beetles are चॉकलेट इन कलर, चॉकलेटी होती हैं ये कलर में, और इनकी लेंथ कितनी है? 3 millimeter।
कितनी है इनकी लेंथ? 3 मिलीमीटर. एंड देयर एग्स आर वाइट, ट्रांसलूसेंट, स्मूथ एंड ओवल. जो एग्स इनके ले करती है फीमेल, वो कैसे करती है? एक सिंगल एग. ओके, नाउ जो इनकी मेन डैमेज करता है वो कौन करता है? ग्रब और लार्वा. नेक्स्ट इज राइस वीवल. इट इज ए ब्राउन कलर्ड बीटल. जो वीवल होती है वो कैसी है? ब्राउन कलर, 3.5 मिलीमीटर लॉन्ग इन लेंथ. जो इनकी फीमेल्स होती हैं वो कितने करती हैं? वो कितने ले करती हैं? 1 to 2 eggs. और पूरी लाइफ में कितना कर सकती हैं? 250 to 300 eggs तक. जो इनके एग्स होते हैं वो वाइट और 0.7 मिलीमीटर इन लेंथ एंड सेमी ट्रांसपेरेंट. ओके, जो मेन डैमेज करती है वो इसमें कौन सी स्टेज करती है? लार्वल स्टेज और ग्रब्स. कौन सी स्टेज करती है? लार्वल स्टेज और ग्रब्स. और जो इसके अंदर क्रॉप डैमेज होता है, जो इनके डैमेज हो सकती है हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स में, वो कितनी हो सकती है? अप टू 50%. नाउ वीट वीवल. Wheat weevil are dark brown in color and 2 to 5 millimeter long in length. इसमें एक चीज और होती है. क्या होती है? Females are larger than males. जो इनके eggs होते हैं, now something about eggs. जो इनकी female होती है वो कितने egg ले कर सकती है? 150 eggs. और जो इनके एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइट, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ओवल. वाइट, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ओवल इन शेप. जो इनका मेन डैमेज करता है वो कौन सा इनका स्टेज करता है? ग्रब्स एंड एडल्ट्स. नाउ फोर्थ इज ग्रेन एंड फ्लोर बीटल. ग्रेन एंड फ्लोर बीटल, ये एडल्ट्स मौत होती हैं. और इनका लेंथ कितना होता है? 5 से लेके 7 मिलीमीटर. इनका कलर कैसा होता है? पेल ब्राउन. और इनके फोर विंग्स पे दो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. क्या होते हैं? दो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. इनकी जो फीमेल होती हैं वो सिंगल पे ले कर सकती है एग और ग्रुप्स में भी कर सकती है. जो इनका एग होता है वो कैसा होता है? ओवल होता है. और पहले इनिशियली इट इज वाइट इन कलर, बट लेटर ऑन इट टर्न्स टू रेड. ओके, नाउ जो इनका मेन डैमेज करने वाला कौन सा स्टेज है? कैटरपिलर. कौन सा स्टेज है? कैटरपिलर. नाउ फिफ्थ इज रस्ट रेड फ्लोर बीटल. एज इट्स नेम डिस्कस, रेड. इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. और इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 से लेके 4 मिलीमीटर तक. जो फीमेल है, फीमेल ले करती है एग फ्लोर के अंदर, आटे के अंदर. और कैसे होते हैं इसके एग? व्हाइट एंड सिलेंड्रिकल. जो मेन डैमेज करती है वो कौन सी स्टेज है? ग्रब्स. कौन सी स्टेज है? ग्रब्स. Now, next is lesser grain borer or susuri. Or we can say sursuri. हम सब जानते हैं सुरसुरी को. जो इसका कलर है वो कैसा है? ब्राउनिश ब्लैक. ब्राउनिश ब्लैक ही होती है, और तो किसी कलर की नहीं होती. ब्राउनिश ब्लैक. और जो इसकी लेंथ है दैट इज वेरी शॉर्ट, 1.5 मिलीमीटर. जो इनके फीमेल्स होती हैं वो 300 से लेके 500 एग्स ले कर सकती हैं अपनी पूरी लाइफ में, इन हर लाइफ टाइम. जो इनके एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पियर शेप्ड.
जो इनकी मेन डैमेजिंग स्टेज है वो कौन सी है, एडल्ट और ग्रब्स। नाउ अब लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज बाय एक्सप्लेनिंग दीज पेस्ट इन डिटेल वन बाय वन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी इफ यू हैव एनी डाउट।